नमस्कार, एम सॉल्यूशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड के छात्र अगर आप हैं या यूपी के अलावा किसी अन्य बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप भी पाए, वो भी गारंटी के साथ पाए। ऐसा ना हो कि केवल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए और फॉर्म भरने के बाद इंतज़ार करते करते वो क्लास पास हो जाए लेकिन स्कॉलरशिप उसका उसके अकाउंट में न आए। तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है, पूरी जानकारी दूंगा। थोड़ा सब्र से सुनिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पेन पेपर उपलब्ध है तो इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं, 11वीं में हैं या 12वीं में इस साल जाएंगे या 11वीं में इस साल जाएंगे, तो आपके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का टाइम आ गया है। स्कॉलरशिप का फॉर्म 8 जुलाई से भरना शुरू हो गया है और यह नवंबर महीने तक भरा जाएगा। अब आप मेरी नवंबर तक सुनने के बाद मेरी बात नवंबर तक सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, अरे अभी तो बहुत टाइम है। तो जो लोग ये गलतियाँ करते हैं, ये बहुत टाइम है, उन्हीं लोगों का स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में नहीं आता है। बताता हूँ क्यों। नवंबर महीने में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय सर्वर बहुत स्लो हो जाता है। सारे स्कूल के लोगों का लोड नवंबर महीने में ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल के लोग जानबूझ करके लेट करते हैं और उनके साथ साथ अगर आप भी लेट करेंगे फॉर्म भरने में तो डबल लेट एक जगह जब हो जाएगा नवंबर महीने में तो सर्वर फेल। 4 बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक बार सक्सेसफुल होगा। तो जिसका रजिस्ट्रेशन कई बार करने के बाद सफलतापूर्वक होता है उसका रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में कई बार एंट्री दर्शाता है। आप बताइए, आप ही किसी योजना का फ़ायदा लेने के लिए एक बार से अधिक बार जब आवेदन कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा कि सेलेक्ट होगा, जरा आप ही बताएं। जब सरकार का कहना है कि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही स्कूल में एक ही पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का लाभ पा सकता है, तो अगर आप अपने 10वीं में 11वीं में 12वीं में 4 बार भर दिए फॉर्म, भले आपको प्रिंट आउट एक बार का मिलेगा, भले आपको पता चलेगा कि आपने एक बार किया है, लेकिन जो फेल होता है ना वो भी सरकार के डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है। तो कभी कभी वेबसाइट सॉफ्टवेयर सर्वर उसको लीगल समझ के आगे फॉरवर्ड कर देता है और आपके पास मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन नॉट सक्सेसफुल, तो आप फिर से करते हो। तो मैं कहता हूँ कि आपको अब इसका उपाय क्या करना चाहिए। इसका उपाय यही है कि जैसे ही आपके लिए आवेदन शुरू हो जाए, आप शुरुआत में सबसे पहले सर्वर पर वेबसाइट पर कम से कम जब भीड़ रहती है उस वक्त फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ही बार में आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, बार बार ट्राई करने वाली नौबत नहीं आएगी। तो बड़ी मिस्टेक यही होती है और इस मिस्टेक को नहीं करना है, क्लियर। और हाँ, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बताता हूँ। बदलाव हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको जान लीजिएगा तब जाकर के आप इस वीडियो को छोड़िएगा। आपको पिछले क्लास की मार्कशीट की, पास हुए मार्कशीट की फ़ोटो कापी लगाना है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। नंबर तीन, आय प्रमाण पत्र, वो भी नवीनतम आय प्रमाण पत्र। नंबर चार, बैंक पासबुक। नंबर पाँच, फीस रिसिप्ट नंबर, मतलब जिस स्कूल में पढ़ते हैं फीस जमा करते हैं, जमा करेंगे तो आपको रसीद मिलती है, रसीद पर नंबर लिखा होता है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको जमा करना है। और इसके साथ साथ एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट, मतलब साल भर में आप कितना फीस जमा करते हो और उस फीस को जोड़ के कितना हुआ वो अमाउंट आपको भरना है। आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तो 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 हुआ साल का, तो आप 6000 भरेंगे अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से जो जिस स्कूल में पढ़ता होगा अपने स्कूल की महीने की फ़ीस गुणे 12 कर देना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है इनरोलमेंट नंबर। ये क्या होता है, कहाँ मिलेगा। आप 10वीं से 11वीं में अगर गए हो तो 11वीं में रजिस्ट्रेशन होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेके फॉर्म भर देना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर है तो पूरी दुनिया जानती है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप कहेंगे आधार कार्ड तो लगेगा ही। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ स्कैन किया हुआ फ़ोटो, वो भी हाल ही में फ़ोटो खींचा गया और लेटेस्ट फ़ोटो हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि आपको अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ तो स्कॉलरशिप आपको इस बार कितना मिलेगा। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 1800 1600 1900 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो जितनी आपकी फीस हुई एक साल की, ध्यान से सुनिए बात को, अगर आप 500 रुपये महीना वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो साल भर का आपका 12 50 8 6000 रुपये हुआ, तो आपको 6000 रुपये के आसपास स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये महीने वाले स्कूल में पढ़ते हैं तो साल भर का 12000 रुपये फीस हुआ, तो आपको स्कॉलरशिप भी 12000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2000 रुपये महीना स्कूल में पढ़ते हैं तो साल भर का आपका 24000 हुआ, तो आपको स्कॉलरशिप 24000 के आसपास मिलेगा। तो आप जिस स्कूल में हैं उस स्कूल का लेवल आपको बताएगा कि कितना स्कॉलरशिप आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।